रामानुज और रमा की दो बेटियां हैं, श्यामा और गौरी। श्यामा का रंग काला है तो गौरी का रंग गोरा। उन दोनों बहनों में बहुत प्यार है। वो साथ खेलती हैं, साथ पढ़ती हैं और साथ ही शैतानी भी करती हैं। और उनमें से अगर कोई बीमार पड़ जाए या किसी को कुछ चोट लग जाए तो फिर पूछिए मत। माँ, गौरी का घाव कब भरेगा? सुबह से शाम हो गई, बेचारी को बहुत दर्द हो रहा है। अरे वो घाव है, ठीक होने में समय लगेगा। गौरी का घाव जब तक भरा नहीं, श्यामा चैन से न सोई और न खाई। और जब वो पूरी तरह ठीक हो गई, तो दोनों बहनें फिर से निकल गईं मस्ती करने। श्यामा, कितने दिन हो गए ना हमें बाहर घूमे, चलो बाबा के खेत पर चलते हैं। रामानुज की फसल इस साल बहुत अच्छी हुई थी, इसलिए वो बहुत खुश था। और उसने इस बार अपनी दोनों बेटियों को देने के लिए चांदी का एक जैसा ही लॉकेट बनवाया था। लॉकेट में एक ढक्कन था जो खुलता था। रामानुज ने दोनों बहनों की तस्वीर भी उसमें लगवा दी थी। श्यामा और गौरी को जब उसके पिता ने ये लॉकेट दिया तो दोनों बहनें खुशी से उछल गईं। गौरी, ये लॉकेट कितना अच्छा है ना, देख इसमें हम दोनों की तस्वीरें भी हैं। हाँ श्यामा, मुझे ये लॉकेट बहुत पसंद है। एक काम करती हूँ, मैं ना अपने वाले लॉकेट में तेरी फोटो लगा लेती हूँ और तू मेरी फोटो लगा। अगर हम कभी दूर हुए तो कम से कम फोटो तो तुम्हारे साथ रहेगी। पर हम दूर क्यों होंगे, मुझे तो हमेशा तेरे साथ रहना है, तेरे बिना नहीं रहना। रामानुज और रमा दोनों बहनों के प्यार को देखते तो उनकी आंखें भर जाती थी। इन दोनों बहनों के प्यार को किसी की नजर न लगे रमा, ये हमेशा साथ साथ रहें। लेकिन होनी की किताब के किस पन्ने में क्या लिखा है ये कौन जानता है। बारिश का मौसम शुरू हो गया था और इस बार की बारिश ने पिछले कई सालों के रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। लोगों के घरों में पानी घुस रहा था, लोग अपने अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थान पर जा रहे थे। रामानुज का परिवार भी पानी के बीच से अपने लिए सुरक्षित स्थान की तलाश में जा रहा था। श्यामा देख, तू मेरा हाथ कस के पकड़ कर रख, पानी का बहाव बहुत तेज है। और तू भी मेरा हाथ जोर से थामे रख। वो सभी धीरे धीरे चले जा रहे थे, तभी अचानक पानी का जोरदार वेग आया और गौरी का हाथ श्यामा के हाथ से छूट गया। रामानुज और रमा भी उनसे बिछड़ गए। श्यामा, श्यामा। गौरी पानी के तेज बहाव में बहती चली जा रही थी। उसने पानी में बहुत हाथ पांव मारे, फिर वो बेहोश हो गई और बहती हुई एक नदी में चली गई। उधर बाढ़ का पानी जब थमा तो श्यामा का जीवन बिल्कुल बदल गया। रामानुज की मौत हो गई थी। उसकी माँ तो जिंदा थी लेकिन वो शौक में चली गई थी। वो तो श्यामा को पहचान भी नहीं पा रही थी। माँ, मैं हूँ श्यामा, तेरी बेटी। लेकिन रमा उसे नहीं पहचान पाई। श्यामा ने अपनी बहन को बहुत तलाशा लेकिन वो नहीं मिली। उधर गौरी नदी के पानी के बहाव में बहती हुई समंदर में चली गई। वहाँ मछुआरों के झुंड ने अपना जाल बिछा रखा था, वो उस जाल में फंस गई। मछुआरों ने जब जाल खींचा और उसमें एक लड़की को देखा तो भाई, ये लड़की कहाँ से आ गई हमारे जाल में भाई? हमें मल्होत्रा सेठ को इसके मिलने की बात बतानी होगी। मल्होत्रा सेठ मछलियों के बहुत बड़े कारोबारी थे। वो मछलियों को देश के हर एक कोने में सप्लाई करते थे। सारे मछुआरे उन्हीं के अंडर काम करते थे। मछुआरों के झुंड ने गौरी को मल्होत्रा सेठ को सौंप दिया। अरे ये बच्ची कहाँ मिली तुम लोगों को? मल्होत्रा जी ने उस बच्ची के सीने पर अपना कान लगाया। उसके दिल की धड़कन चल तो रही थी लेकिन बहुत ही धीमे। वो बच्ची को लेकर तुरंत अस्पताल पहुँचे। डॉक्टर ने उसका चेकअप किया और कहा, देखिए बच्ची की हालत सीरियस है, हमें इसे ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। डॉक्टर साहब, बच्ची को कुछ नहीं होना चाहिए, चाहे कितने भी पैसे खर्च हो जाएं, बस इसे ठीक कर दो। मल्होत्रा सेठ के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, कमी थी तो सिर्फ एक औलाद की। उसकी पत्नी अंजलि और वो खुद शादी के 13 साल के बाद भी बच्चे की किलकारी का इंतजार कर रहे थे। गौरी को वो भगवान के आशीर्वाद की तरह समझ रहे थे। अंजलि देखना, इस बच्ची को कुछ नहीं होगा, भगवान ने इसे हमारे घर में अंधेरे को मिटाकर रोशनी करने के लिए भेजा है। 2 दिन बाद गौरी को होश आ गया, लेकिन गौरी अब पुरानी सारी बातों को भूल चुकी थी, यहाँ तक कि उसे अपना नाम तक याद नहीं था। मल्होत्रा जी ने उस बच्ची को नाम दिया रिंकी और उसे गोद ले लिया। समय बीतता गया, गौरी अब एक नए नाम रिंकी के साथ बड़ी होने लगी। उसके पास अब दुनिया की सारी दौलत थी, वो ऐशो आराम में पलने लगी। हालांकि गौरी पुरानी सारी बातें भूल गई थी, लेकिन वो हमेशा एक सपना देखती कि वो डूब रही है और कोई गौरी गौरी पुकार रहा है। उस रात भी वो वही सपना देख रही थी और चौंक कर उठ गई। उसकी चीख की आवाज सुनकर उसके माता पिता भागते हुए आए। क्या हुआ बेटी, तुमने फिर से वही सपना देखा क्या? हाँ मॉम, फिर से वही सपना। वैसे ये गौरी किसका नाम है? मेरा नाम तो रिंकी है।
गौरी अब पहले वाली गौरी नहीं रह गई थी। पैसे ने उसे घमंडी बना दिया था। वो अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझती थी। उधर श्यामा की माँ की हालत वैसी ही थी। उसकी याददाश्त अभी तक वापस नहीं आई थी। कुछ लोगों ने श्यामा को सलाह दी कि उनका इलाज शहर में कराए, इसलिए वो उसे लेकर शहर आ गई। देखिए, इन्हें किसी बात का गहरा सदमा लगा है और वो सदमा इनके दिमाग में अंकित हो गया है। जब तक वो मिटेगा नहीं, ये ठीक नहीं होंगी। श्यामा अब अपनी माँ को गांव वापस नहीं ले जाना चाहती थी, क्योंकि वहाँ पर पुरानी सारी यादें बसी थी। अगर वो उन्हीं के बीच में रहती तो कभी ठीक नहीं होती। उसने शहर में ही रहने का तय कर लिया और यहाँ पर काम की तलाश करने लगी। संयोग से उसे गौरी के यहाँ नौकरानी का काम तो मिल गया, लेकिन गौरी श्यामा के रंग के कारण उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और हमेशा उसका मजाक उड़ाती रहती थी। ओ काला जामुन, इधर आ, जरा मेरे सिर में दर्द हो रहा है, फटाफट तेल लगा दे। जी मैम साहब। गौरी श्यामा से घर का सारा काम करवाती और हर बात में उसका मजाक उड़ाती। एक दिन गौरी के कुछ दोस्त उससे मिलने आए हुए थे, तभी गौरी ने दोस्तों के सामने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। अच्छा श्यामा, एक बात बता, तू बचपन में कोयले की खान में गिर गई थी क्या? इतनी काली कैसे हो गई? ये कहकर गौरी और उसके दोस्त जोर जोर से हंसने लगे। बार बार के अपमान से श्यामा का दिल भी दुखता, लेकिन नए शहर में फिर से नई नौकरी ढूंढना इतना आसान तो नहीं था। वो अपमान का घूंट पीती और उनके घर काम करती। एक दिन की बात है, बाहर जोरों की बारिश हो रही थी तो मल्होत्रा जी की पत्नी ने श्यामा को उस रात घर पर ही रुकने के लिए कहा। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। गौरी को जब ये पता लगा कि श्यामा वहाँ रुकी है तो उसने उसे बुलाकर कहा, ए काला जामुन इधर आ, सुन एक काम कर, आज बहुत बारिश हो रही है, आज मौका है तेरे काले रंग को हटाने का। जा बारिश में जाकर भी, मैं देखती हूँ कि तेरा काला रंग निकलता है कि नहीं। ये आप क्या कह रही है मालकिन, भला इस तरह से किसी का रंग कैसे निकलेगा? तुझे जो बोला वो कर, नहीं तो अपना हिसाब कर और कल से आने की जरूरत नहीं है तुझे। श्यामा मजबूर थी, वो बारिश में खड़ी होकर भीगने लगी और गौरी जोर जोर से हंसने लगी। अचानक ना जाने ऐसा क्या हुआ कि हंसते हंसते गौरी के गले का लॉकेट नीचे गिर गया। ये वही लॉकेट था जो बचपन में श्यामा और गौरी को उसके पिता ने दिया था। गौरी उस लॉकेट को उठाने लगी, तभी बारिश में भीगती श्यामा की नजर उस लॉकेट पर गई। उस लॉकेट को देख वो चौंक गई। अरे ये तो वही लॉकेट है जो बाबा ने हम दोनों बहनों को दिया था, लेकिन ये मेम साहब के पास कहाँ से आ गया? अगले दिन की बात है, श्यामा को मल्होत्रा जी से गौरी के मिलने की सारी कहानी पता लगी। वो सारा सच जानकर बहुत खुश हुई कि उसकी बहन जिंदा है। उसकी याद में न जाने उसने कितने दिन रो रो कर गुजारे थे और आज भी हर दिन वो उसे याद जरूर करती थी। लेकिन श्यामा ये बात चाहकर भी गौरी को नहीं बता पा रही थी, क्योंकि उसे बताकर भी क्या फायदा होता, वो तो पुरानी सारी बातें भूल गई थी। हालांकि उसने अपनी माँ को जब ये बातें बताई तो उनकी तबीयत में तेजी से सुधार होने लगा। हाँ माँ, हमारी गौरी जिंदा है, मैं उसी के यहाँ काम करती हूँ। क्या कहा? क्या मेरी बेटी जिंदा है? मेरी गौरी जिंदा है? तू ले चल मुझे उसके पास। माँ, उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो हमें नहीं पहचान पाएगी। एक दिन की बात है, गौरी श्यामा का मजाक उड़ाने और उसे अपमानित करने के उद्देश्य से ही एक डिस्को में ले गई। डिस्को में उसके कई सारे दोस्त आने वाले थे, वो सभी आए। क्या बात है रिंकी, तेरी बहन को यहाँ एंट्री दे दी डिस्को वालों ने? वो क्या है ना, यहाँ स्मार्ट लोगों को एंट्री देते हैं ना। अरे यार, बड़े पापड़ बेलने पड़े। वो तो मैं इसे इसलिए ले आई क्योंकि काली चीज साथ रहेगी तो मुझे नजर नहीं लगेगी। उसकी बात सुनकर सभी हंसने लगे। बेचारी श्यामा चुपचाप खड़ी सबको देख रही थी। तभी डिस्को में आए दूसरे कुछ लड़के जो नशे में भी थे, गौरी की बात सुनकर गौरी के साथ बदतमीजी करने लगे। आए हाय, ये तो बहुत सही गई तुमने। तुम इतनी सुंदर हो कि तुम्हें किसी की भी नजर लग सकती है। लेकिन फिगर नॉट, हम बन जाएंगे ना तुम्हारे लिए काजल, क्यों आए लोग हैं? ये कहकर उन लड़कों ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपनी ओर खींचने लगे। अरे ये क्या कर रहे हो? छोड़ मुझे, छोड़ो। अरे ऐसे कैसे छोड़ दें, तुम्हें हमारे बिना नजर लग गई तो। ये कहकर उन बदमाश लड़कों ने जेब से चाकू भी निकाल लिया। गौरी के सारे दोस्त ये देखकर रफू चक्कर हो गए, लेकिन श्यामा को अपनी बहन के साथ हो रही बदतमीजी बिल्कुल पसंद नहीं आई और वो उन लड़कों से भिड़ गई। ओ तेरी, देख रहा है इस मेरी कॉम को, हैं? बहुत शौक चढ़ाए से लड़ने का है। उस लड़के ने श्यामा पर चाकू से हमला कर दिया, लेकिन श्यामा ने खुद को बचाया। तभी कुछ और लड़के श्यामा को पकड़ने के लिए आगे आए और उसमें गुत्थम गुत्था हो गए। इसी क्रम में श्यामा के गले का लॉकेट खुलकर नीचे गिर गया। गौरी की नजर जैसे ही उस लॉकेट पर गई, उसका सिर चकराने लगा और उसे सब कुछ याद आ गया। इस बीच उस लड़के ने चाकू निकालकर फिर से श्यामा पर हमला करना चाहा, तो गौरी चिल्लाकर बोली, श्यामा श्यामा।
गौरी के मुंह से अपना नाम सुनकर श्यामा को जोश आ गया। उसके बाद तो उन दोनों बहनों ने मिलकर उन शराबी लड़कों के छक्के छुड़ा दिए। इस बीच डिस्को के मालिक ने पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस उन लड़कों को पकड़ कर ले गई। श्यामा मेरी बहन, तू आ गई, तू मेरे पास आ गई। दोनों बहनें एक दूसरे से मिलकर फूट फूट कर रोने लगे, लेकिन इस बार उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। रोशनलाल के बचपन के मित्र को हार्ट अटैक आ जाता है। रोशनलाल हॉस्पिटल पहुंचता है। अरे राम नारायण, देखना तू जल्दी ही ठीक हो जाएगा, चिंता मत कर, अभी शतरंज की बाजी में तुझे हराना बाकी है। रोशनलाल, अब मैं नहीं बचूंगा दोस्त, मेरी बेटी काजल का क्या होगा, मेरे बिना किसके सहारे रहेगी। रोशन, मुझे वादा कर, तू अच्छा रिश्ता ढूंढ कर मेरी काजल की शादी करवाएगा। पिताजी, आप ठीक हो जाओगे। राम नारायण, मेरे दोस्त, मैं वादा करता हूँ, काजल की शादी मैं अपने छोटे बेटे अखिल से करवाऊंगा, अब तू आराम कर। राम नारायण, क्या हुआ, आंखें खोल दोस्त। डॉक्टर, पिताजी आंखें नहीं खोल रहे, कुछ कीजिए डॉक्टर। सॉरी, ही इज नो मोर। पिताजी नहीं, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। चुप हो जा बेटी, मत रो। राम नारायण की जिंदगी का सफर शायद यहीं तक था। काजल बेसहारा हो गई थी। काजल अपने काले रंग के लिए पहले ही लोगों के तानों से परेशान थी, पर पिता का साथ उसे हिम्मत देता था। उनके जाने के बाद अब ये दुखों का पहाड़ काजल पर टूट गया था। रोशनलाल काजल को अपने घर ले आता है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या, हम अपने अखिल की शादी इस काली लड़की से कर दे, एक बहू गोरी और एक बहू काली। शोभा, मैंने अपने दोस्त को जुबान दी थी, काजल मेरी जिम्मेदारी रहेगी, और मेरा यही फैसला है कि अखिल और काजल की 2 दिन बाद शादी होगी। जब ये बात अखिल को पता चलती है तो वो भी इस शादी से इनकार कर देता है। पिताजी, मैं काली लड़की को अपना जीवन साथी नहीं बना सकता। तो ठीक है, फिर जायदाद में से एक फूटी कौड़ी मैं तेरे नाम नहीं करूंगा, जहाँ जाना है चला जा। अखिल गुस्से में अपने कमरे में आ जाता है तभी। अरे देवर जी, कौन कह रहा है आप शादी के बाद इस लड़की को अपनाओ, एक बार शादी हो जाए उसके बाद किसी आसान तरीके से रास्ते का कांटा साफ कर देंगे। अभी पिताजी गुस्से में हैं, अगर जायदाद में से बेदखल कर दिया तो हाथ में कुछ नहीं आएगा, शादी के लिए हाँ कह दो। अनीता घर की बड़ी बहू थी, इसलिए अपने गोरे रंग रूप पर इतराती थी। अखिल अनीता की चालाकी भरी बातों को समझ जाता है और 2 दिन बाद अखिल और काजल की शादी हो जाती है। एक सुबह, माँ जी ये आपके लिए चाय लाई थी। मैंने तुझे कितनी बार मना किया है, अपनी बदसूरत शक्ल लेकर सुबह सुबह मेरे सामने मत आया कर, मेरी गोरी और सुंदर बहू अनीता कहाँ है जिसके कमरे में आते ही उजाला हो जाए। माँ जी वो भैया के साथ रोहन के स्कूल गई हैं, इसलिए मैं चाय ले आई। अब ये चाय भी अपने रंग जैसी काली बना लाई है, देखो तो उल्टी आ जाए। काजल रोती हुई रसोई में चली जाती है। काजल बेटी, तुम इन लोगों की बातों को दिल पर मत लगाओ, ये लोग सिर्फ ऊपरी दिखावे में विश्वास रखते हैं, पता नहीं गलती मेरी ही थी जो तुम्हें इस घर में ले आया। रोशनलाल दुखी मन से वहाँ से चला जाता है। एक दिन बाद अनीता के बेटे रोहन का जन्मदिन था, सभी मेहमान आए हुए थे, अनीता ने घर में ही बड़ी पार्टी का इंतजाम किया था। अरे अनीता, सब लोग रोशन के केक काटने का इंतजार कर रहे हैं भाई। रोहन बेटा चलो केक काटो। रुकिए भैया, मैं अपना कैमरा ले आऊं फैमिली फोटो के लिए। काजल फोटोज में थोड़ा पीछे रहना, वैसे तुम फ्रेम में ना ही आओ तो बेहतर है। अरे अनीता बहू, कैसी बच्चों सी बातें करती हो, सारी यादगार फोटो मेरे पोते की खराब करवानी है इस काली शक्ल को बीच में दिखाकर। अखिल चल मेरे पोते की फोटो ले, आ आ मेरे लाल, दादी के साथ फोटो खिंचवाएगा। सब लोग फैमिली फोटो खिंचवाने लगते हैं, पर काजल को कोई भी फोटो के बीच में नहीं लेता। तभी अब अखिल, एक फोटो मेरी और काजल बहू की भी खींच, आखिर शादी के बाद ये इसका घर में पहला फंक्शन है। अखिल मुंह बनाकर अपने पिता और काजल की फोटो लेता है। गोरी बहू काली बहू के बीच का भेदभाव रोशनलाल को साफ दिखाई दे रहा था। एक दिन, शोभा सारी तैयारी कर ली तुमने, कल सुबह ही हम सबको वैष्णो देवी यात्रा पर निकलना है। मैंने और अनीता ने कर ली है सारी तैयारी, पर अपने आप को हूर की परी समझने वाली काजल बहू से पूछ लो। उधर अनीता और अखिल काजल से छुटकारा पाने की अपनी ही तरकीब लगा रहे थे। भाभी, उस काली सूरत के साथ रहना एक एक दिन मुझे भारी पड़ रहा है, और पिताजी ने ये वैष्णो देवी जाने का प्रोग्राम और बना लिया।
अरे देवर जी, मैंने सब सोच लिया है। यात्रा के दौरान दुर्घटना हुई, एक महिला का पैर फिसला और वो खाई में गिर गई। लाश का कुछ अता पता नहीं। ऐसी कितनी खबरें रोजाना सुनने और देखने को मिलती हैं। तो समझ गए ना हमें क्या करना है। पर ये सब आप करोगी कैसे? बस देखते जाओ देवर जी, आप मेरे इशारों को समझते रहना और काम हो भी जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। अनीता और अखिल काजल को मारने का प्लान बना चुके थे। अगले दिन सब वैष्णो देवी की यात्रा के लिए निकलते हैं। सब मिलकर वैष्णो देवी की यात्रा शुरू करते हैं। अरे काजल बहू, तुमने पैरों में चप्पल नहीं पहनी? पिताजी, मैं नंगे पांव ही माता रानी के वैष्णो धाम की यात्रा करूंगी। बाकी सब लोग मुंह बनाकर आगे बढ़ जाते हैं। चढ़ाई पर चलते चलते रोशनलाल और शोभा पालकी में बैठ जाते हैं। सुधीर और अखिल तेज चलते हुए आगे बढ़ रहे थे। सुधीर, आप और देवर जी आगे चलते रहिए, मैं थोड़ा थक गई हूँ, आराम आराम से आऊंगी। काजल, मेरे साथ साथ ही चलना। ठीक है भाभी, मैं आपके साथ ही चलूंगी। मैं भी पापा और चाचू के साथ आगे चलूंगा। पापा रुको, मैं भी आ रहा हूँ। रोहन रुको, पापा आगे चले गए हैं। अरे भागो मत बेटा, गिर जाओगे। भाभी, मैं रोहन को बुलाती हूँ। इतनी देर में भागते हुए रोहन का जूता फिसल जाता है और वो खाई की तरफ गिरने लगता है। रोहन, मेरा बच्चा। काजल रोहन का हाथ पकड़ लेती है और उसे ऊपर खींचने लगती है। काजल, मेरे बच्चे को बचा लो, मेरा बेटा। घबराओ मत रोहन, मेरा हाथ पकड़े रहना बेटा। काजल रोहन को ऊपर खींच लेती है। रोहन घबराया हुआ काजल से लिपट जाता है। इतनी देर में अनीता की आवाज सुनकर सुधीर और अखिल भी आ जाते हैं। मेरा बच्चा, मेरा रोहन। रोहन, तुम ठीक हो ना बेटा? सुधीर, आज काजल ना होती तो पता नहीं मैं अपने बेटे को खो देती। काजल, तुमने आज मेरे रोहन को खाई में गिरने से बचा लिया। हम सब ने तुम्हें हमेशा नीचा दिखाया, पर तुम बहुत अच्छी हो काजल, मुझे माफ कर दो। भाभी, रोना बंद करो, आप मेरी बड़ी बहन जैसे हो, फिर आपकी किसी बात का भला मैं बुरा क्यों मानने लगी। ये सब देखकर अनिल का भी सिर शर्म से झुक जाता है। अखिल और अनीता जानते थे कि वो क्या पाप करने की सोच लेकर ऐसे पवित्र स्थान पर आए थे। सब मिलकर भवन पर पहुंचते हैं। शोभा और रोशनलाल को सारी बात पता चलती है। काजल, मुझे भी माफ कर दे बहू, आज माँ के दरबार के सामने मैं तेरे से अपने बुरे व्यवहार की माफ़ी मांगती हूँ। अखिल काजल के साथ मिलकर माँ के दर्शन करता है। काजल की आंखों में खुशी के आंसू थे। आज माँ की कृपा से उसे अपना परिवार मिल गया था और गोरी काली बहू का भेद दिलों से मिट गया था।